दोस्तों वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये दोस्तों हर किसी के कंप्यूटर में रहता था, और आपको पता होगा कि ये अभी कुछ दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था, तो आप अपने कंप्यूटर पे अपने वीएलसी मीडिया प्लेयर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए ये बैन हट गया है। जो पहले अगर आपको बता दूं, जो उसके मोबाइल ऐप पे था, जो मोबाइल ऐप का वीएलसी मीडिया प्लेयर था, उस पर बैन नहीं था, सिर्फ जो वेबसाइट पे जो डाउनलोड करते हैं उस पर बैन लगा हुआ था। तो वो भी बैन अभी पूरी तरीके से हट गया है। तो अब वीएलसी मीडिया प्लेयर आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके, और आराम से आप उसे अपने कोई भी आप मूवीज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और वीएलसी मीडिया प्लेयर ज्यादातर सभी लोगों ने यूज किया है, उस पर ज्यादातर हर तरीके के जो ऑडियो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट होते हैं चल जाते हैं, इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर था। अभी उसका क्या रीजन था, क्यों उसको बैन किया गया था, वो अभी इतना क्लियर नहीं है। कोई कहते थे वो कुछ यूजर्स का डेटा दूसरी कंट्रीज को बेचता था, पर अभी अभी न्यूज आई है कि उसका जो बैन था वो पूरी तरीके से हट गया है। और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से दोस्तों आप जाके इसे आराम से डाउनलोड करिए, और आराम से आप कोई वीडियो या जो भी मूवीज देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे पे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।